So everything is ready. ये पायलट पायलट पेन से 4 वर्जन में आते हैं, आपको पता है, 6 mm, ये 3.8 mm, 2.4 एंड 1.5 mm. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेन है वो 6.0 mm है. ज़्यादा जो कैलीग्राफर्स है, आई मीन 70% इसको यूज़ करते हैं. ये बहुत कम यूज़ होता, सबसे ज़्यादा तो सबसे कम यूज़ होने वाला ये वाला है. ये भी यूज़ करते हैं फिल्म, बट ज़्यादा जो यूज़ होता वो 6.0 mm. सो दिस आर 4 पेन्स, आई विल कीप दिस असाइड. इसका मैं पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. ये उसका कैप है, ये उसके साथ है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में. एंड दिस इज कॉल्ड बैरल, इसको बैरल बोलते हैं. इसमें भी हम डायरेक्ट इंक डाल करके यूज़ कर सकते हैं, बट वो क्या है, कभी कभी लीकेज हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये बैरल में भी हम लोग डायरेक्ट इंक डाल करके इसको फिट कर दिए तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना. लेकिन वो इन केस वो वहाँ पे क्या होता है मालूम है, इंक थोड़ा ज़्यादा फ्लो हो जाता है कभी कभी. सो ये हो गया बैरल, ये हो गया कैप, ये है आपका कैटरीज. दो कलर में आते हैं पेन के साथ में, पता है आपको, रेड एंड ब्लैक. सो ये रेड और ये यूज़ किया, ख़त्म हो गया स्वेट. सो दो कैटरीजेस आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिपेट बोलते हैं इसको, ठीक है. अब बीच बीच में डाउट भी पूछ सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, पिपेट. ये जो पिपेट है, ये पूरा ये जो सेक्शन है ना, इसको क्लीन करने के लिए पिपेट हम लोग यूज़ करते हैं. आपको क्लीन करके अभी बताता हूँ कैसा यूज़ क्लीन करते हैं इसको. सो पिपेट बता दिया आपको, कैटरीजेस बता दिया, बैरल हो गया, कैप हो गया, ठीक है. ये हो गया पूरा, इसको बोलते हैं निब क्लीनर. सो आप कभी लिखते वक्त इनकेस आपको लगा कि कुछ पेपर या एनी डस्ट वगैरह अगर निब के अंदर चले गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. ये वाला जो पार्ट है ना, द पायलट पैडल पेन का सबसे जो बोलते बेस है, हर चीज़ है, एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन दिस वाले. ये कैप, बैरल, पिपेट, ये कुछ भी नहीं है. सबसे जो ज़्यादा जो कॉस्टली है वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही हर चीज़ कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है. तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ये वाला जो है, इसको नीब बोलते हैं जी. ये हो गया नेक, ठीक है. ये नेक हो गया, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग पे ये बैरल आपका फिट होता है जी. ठीक है. तो ये हो गया थ्रेडिंग. इसमें फिर दो सेक्शंस हैं. एक सेक्शन जो है ये वाला सेक्शन जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इंक से जी. ये वाला, इसमें इंक फ्लो होता है. और ये वाला जो है, यहाँ पे आपको कैटरीज फिट होता है. जैसा कि ये वाला कैटरीज है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक फिट कर दिया. तो ये तो थ्रेडिंग हो गया बैरल का, और ये वाला पार्ट कैटरीज फिट होने का. और ये वाला जो सेक्शन है, वहाँ से इंक फ्लो होता है पहले नेक में, और नेक से फिर निब में, ठीक है. तो ये आपका निब है. इसको क्लीन कैसा करते हैं, निब क्लीनर से बताता हूँ. यहाँ जाइए आप, और सामने आ जाइए. इसमें आप देखेंगे तो आपको दो पार्ट दिखेंगे. देखिए जी, एक ये पार्ट है, इसका नाम ही पैरेलल पायलट पैरेलल पेन इसलिए है. पैरेलल जो है ना, पैरेलल, ये दोनों भी प्लेट उसके पैरेलल रहते हैं जी. ठीक है, ये दो भी प्लेट उसके पैरेलल रहते हैं. तो इसमें आपको दो सेक्शंस मिलेंगे. तो आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में इसको ऐसा डाल देना है जी. ठीक है, स्लाइड हो जाए, स्लाइड बीच में चला गया उन्हें. उसके बाद आप इसको साफ कर लो, तो जो भी डस्ट वगैरह है ना, वो पूरा इसमें आ जाएगा. अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक टिश्यू लेके इसको आप साफ़ कर दो. इसको इसलिए साफ करना कि फिर बाद में कभी इसमें का जो डस्ट है ना, टिश्यू में चला जाता, तो फिर इसमें रहा तो फिर आप फिर से आ जाएगा. सो यू कैन क्लीन विद दिस. तो मैं आपको बता दिया ये कैसा क्लीन करते हैं. ये आपका कैटरीज, ये जो पार्ट है, इसको कभी भी खोलने की कोशिश नहीं करेगा. कि इसको मैं खोला, मेरे को मालूम है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. थ्रेड सिस्टम होता है इसमें जो है, कितने पार्ट्स हैं पता है आपको जी, पता नहीं. ये एक निब निकल जाएगा आपका, ये जो निब है ना जी,
निब एक पार्ट अलग है, ये जो है नेक वो एक पार्ट अलग है। कितने हो गए? दो पार्ट हो गए। इसमें आपको तीन पार्ट्स है, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, और ये वाला जो अंदर है एक, उसमें रबर रहता है। वो अगर रबर आपका गुम गया तो समझो आपका पायलट बन गया, फिर से आपको खरीदना पड़ता। सो डोंट ट्राई टू ओपन दिस। आप इसको ओपन करके मैं आपको रबर बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो इसका एक एक पार्ट्स खोल के साफ़ करके लगाया, तो आप लोग को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर खोलना भी चाहे तो बी केयरफुल। ये है उसका रबर। ओहो, अभी भी इसको नहीं खोलना है आपको, इनकेस अगर आप खोल दिए तो फिर से उसको एक बार असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप डिसेंबल करें उसको तो असेंबल करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको कभी भी आप नहीं खोलिएगा, क्योंकि यहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन केस उसका ये पिपेट जो है ना पूरा काम कर देता, यहाँ से एक बार क्लीन कर लेते आपका पूरा क्लीन हुआ था, सो इसको आप खोलने की ज़रूरत मत करिएगा, ठीक है ना। मैं इसको फिर से लगा देता हूँ, बहुत बारीक रबर होता है ये रबर निकलता, फिर ये पार्ट अलग निकलता, फिर ये पार्ट अलग निकलता, फिर ये अलग पूरे अलग हो जाते। रबर इज होल्डिंग बोथ द साइड्स। हाँ, रबर इज होल्डिंग बोथ द साइड्स। तो ये जो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, ये वाला ही पार्ट है अगर रबर घूम गया तो आपका पूरा गया। आप पूरा रबर कहाँ से लाइए? इंसर्ट नहीं होगा क्या? नहीं नहीं होता, क्योंकि वो पूरे दोनों को होल्ड करके रखता उन्हें, इवन इंक फ्लो में भी पूरा करना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, बट यही मेन पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका कैटरेज, ये आपका बैरल, और ये आपका कैप। सो इसमें तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैं, कैटरेजेस एंड निप क्लीनर। लेट मी एक्सप्लेन यू द कैसा उसको हम लोग बैरल से इसको कैसा क्लीन करेंगे, इनकेस अगर ज़्यादा डस्ट आ गया या कभी वीकली वंस इसको आप ऐसा क्लीन कर लेना। ये जो पिपेट है ना इसको आप डायरेक्टली इसमें फिट कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका फिट, ठीक है। इसको जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आपको डाल देना है, देखिए कैसा बबल आता है। ये पूरा जो भी डस्ट वगैरह ना पूरा अंदर चला गया है इसके, यहाँ तक पूरा हो गया, ये पूरा फिल यहाँ तक। इसको आपको फिर से इसमें डालना है, इसको आपको 4 to 5 times, मतलब कि आपको ये वाटर आप चेंज करते रहना बीच बीच में, ठीक है, जब तक कि आपको लगे कि हाँ पूरा क्लीन हो गया, अंदर का पूरा सेक्शंस क्लीन हो गया, तो आपको छोड़ देना है। देखिए पूरा वाटर आप सही आ रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर दिया आपको तो डेट विल बी यू नो, अगर कैलीग्राफी कर रहे हैं तो ये सब ज़रूरी है। इसको खोल नहीं देता, बता ठीक है, तो आप बाद में देखेंगे। तो सीरीज ये आपका क्लीन हो गया जी, तो इसको हटा दें। लाइक इसको भी हम लोग इंक फिल करके यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें वो जो ग्रिप, ये जो बैरल का जो ग्रिप है यहाँ पे, जो अपना जो ग्रिप आता है पेंट करने के बाद में, ये वाला जो पार्ट है ना ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। एंड यू नो दिस इज़ नॉट स्टिफ, अगर आपको इसको यूज़ करते हो हाँ तो ये बेंड हो जाएगा, और वो टाइम पे आपका लाइन एंगल्स एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट इसमें इसमें बहुत फ़र्क है, तो डोंट यूज़ दिस, ये सिर्फ क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आपका नीप क्लीन हो गया, एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। तो अब मेरे को ये बताना है कि इंक कैसा फिल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पेन है, आप ये यूज़ कर सकते हो, पार्कर इंक, और भी बहुत सारे महंगे महंगे इंक आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि कैलीग्राफी इंक है, और कौन सा है, डेटोन इंक है, डेटोन के आइसोमर्स है। आइसोमर यूज़ नहीं करना, आइसोमर्स के बहुत यू नो बहुत थिक होता है, तो इसमें डेंसिटी हाई होता है, तो यू कैन नॉट यूज़ दिस। यू कैन यूज़ फोटो कलर्स, फोटो कलर बहुत अच्छा रहता है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये जो जब कैटरेज ख़त्म हो गया, इनके हिसाब के पास अगर ये वाला नया वाला कैटरेज है तो आप डाल दोगे,
इनकेस अगर आपका कैटरेज ख़त्म हो गया तो वो टाइम पे, जैसा कि ये इसमें इंक नहीं है, अगर हमारे को इसमें इंक फिल करना है तो हम लोग इसको फिल कर सकते हैं ऐसा। यू कैन यूज सिरिंज, लेकिन इसको किसी को इंजेक्शन नहीं देना, नहीं तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, ये मैं बचपन में बहुत काम किया ना इससे, मेरे दादा क्या है डॉक्टर थे, तो मैं क्या करता था वहाँ पे फ्रॉक्स ला करके उसको ऑपरेशन कर देते, तो आई यूज़ टू डू दैट। मैं फ्रॉक को इंजेक्शन देता था और वो बड़ा होते जाता था, सो आई एंजॉयड लॉट एट एवरीथिंग। सो इसको में ले लिया, ठीक है ना, या इतना लेना कि आपका ये जो कैटरेज है पूरा फिल हो जाना। और ये कैटरेज में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो आप इसमें दिखा ना आपको ये बॉल, वो नहीं निकलना चाहिए। और ये जो छोटा सा जो सर्कल वाला है ना, ये वैक्यूम रेगुलेटर ये अंदर जाना। हाँ नहीं, इसको निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको अगर निकाले तो आपका बॉल फिर जाने के चांसेस होते हैं। ये आपका निकल जाता, ये जो इसको अंदर होल्ड करके रखा हुआ है ना, सो इसमें आपको फिल कर देना है। हो गया फिल, इसको आप, हो गया आपका कैटरेज रेडी, नाउ यू कैन यूज दिस। ये नया कैटरेज मैं डाल दिया जो मैं अभी फिल करा। अब इसको क्या करना है, जैसा कि आपने इसको फिल किया, एक टिश्यू लेना है आपको, टिश्यू लेकर के आपको ऐसा डालना है इसको। तो ये वाटर जो आ रहा है पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको अभी पिपेट से उसको क्लीन किया था, पूरा वाटर बाहर आ जाएगा और जब तक कि यहाँ सक कर लेगा। टिश्यू यूज़ करना, या तो कोई बहुत ही यू नो कॉटन क्लोथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका जगह पे। अभी यहाँ इसका इंक तो नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा वाटर भी बाहर आ रहा है, या तो इसको थोड़ा सा, नहीं 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 क्या इसको माउथ से ब्लो कर रहा हूँ, नहीं 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 वो गलती नहीं करना, बोल करेंगे तो पानी निकल जाएगा जो भी पहले। या देखिए आ रहा ना पूरा, अभी आ रहा है, देखिए इज कमिंग आउट, नाउ यू कैन यूज दिस डार्क कलरिंग। आ रहा ना, नाउ दिस इज रेडी टू यूज। ये आपका हो गया, कैसा फील करना मैंने आपको बताया है। तो मैं साइड रख देता हूँ, और ये पार्किंग इसको मैं साइड रख देता हूँ, ये कैटरेजेस, और ये जो सिरिंज है इसको क्या करना, आप एक बार जब इंक फिल कर लिए तो इसको भी साफ़ कर देना, क्योंकि नहीं तो फिर आपको ये दूसरा देखना पड़ता, यू हैव टू फाइंड अनदर वन। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, ये मेरा है, ये मैं कहीं से लिया था, बट नो क्या नहीं, यू कैन यूज़ एनी कप, कोई भी एक छोटा सा, मेरा ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, छोटा है ना इसलिए आपको याद नहीं है, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस। किसी को इंजेक्शन देना है क्या, नहीं आई कैन यूज ऐसा है, अभी भी वो पूरा बैकअप याद आ रहा मुझे। सो ये हो गया इंजेक्शन, आप यूज़ कर सकते हो, दो इंजेक्शन हैं, लेकिन सिर्फ इंक फिल करने के लिए यूज़ करना, किसी को इंजेक्शन देने के लिए नहीं, ठीक है। द लास्ट वन आई वॉन्ट टू शो यू इज ये वाला, ये क्या है, इसको कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है, इसे पूरा पैलेट पैरल पेन कन्वर्टर, ये आपको कुछ 3 या 4 वेरिएशंस में आएंगे। दिस इज़ कॉल्ड 20 कन्वर्टर, इसका नंबर है 20 कन्वर्टर। 50 कन्वर्टर भी आता, 75 आता, जैसे लेंथ ऑफ द कन्वर्टर, या लेंथ ऑफ द कन्वर्टर एंड यू नो द कैपेसिटी दैट इट होल्ड द, जितना उसके अंदर है उसका डेंसिटी कितना होता है उसका एवरीथिंग। तो ये 20 कन्वर्टर है,
बेस्ट कन्वर्टर 20 है, नहीं, इससे थोड़ा सा कॉस्टली आपको 50 कन्वर्टर मिलेगा, बट आई यूज दिस। ये आपका अमेजोन, अली एक्सप्रेस, ऑनलाइन यू कैन राइट। और अगर आप बाहर है US, कनाडा, तो उधर आपको अवेलेबल मिलता है, शॉप में डायरेक्टली जाके आप बाई कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपके पास है तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस, यू नो, इंजेक्शंस, कैटरेजेस, डायरेक्टली आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मेरा एम्प्टी है, इसमें कोई भी कैटरेज नहीं है, तो मैं क्या करा, इसको डाल दिया अंदर। ये जो कन्वर्टर है आपको पायलट पेन के साथ तो नहीं आता, सो आपको ये अलग से खरीदना पड़ता है, यू हैव टू बाय सेपरेटली। ये डाल दिया, एंड यू कैन यूज़ दिस सेम लाइक फाउंटेन पेन, जैसा कि यहाँ पे प्रेस करने का है, आप लोग देख रहे हैं, फाउंटेन पेन इंक में डाला, ऐसा डाल के इसको प्रेस करा। उसके बाद मैंने क्या होता, इंक को सक कर लेता अंदर, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत ईजी भी है। अगर ये आपके पास है तो इंजेक्शंस, कैटरेज, कोई ज़रूरत नहीं, इंक ख़त्म हुआ आप डाल लिए, इंक ख़त्म हुआ आप डाल लिए। इवन यू कैन डू दिस, ये जो पिपेट का काम भी ये करेगा ये। अगर इंक ख़त्म हो गया आपका, पूरा साफ़ करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली पिपेट के वैसा इसको साफ़ भी कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ये भी साफ़ हो जाएगा और ये भी साफ़ हो जाएगा, दोनों भी। फिर उसके बाद का वाटर जो है आप एक टिश्यू पेपर डाल करके हटा लो, उसके बाद आप फिर से इंक डाल लो, देन यू कैन यूज इट। तो ये था लास्ट कन्वर्टर के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बॉक्स। दिस इज़ अ सील्ड बॉक्स, नया बॉक्स है, इसमें क्या क्या आता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। कट रहा है आपके पास, थैंक यू। ये मैंने अभी नया पैरल पेन खोला है, जो कि कितना एम एम, 3.8 mm है। ये ऊपर से रहता जस्ट, इसमें बचा ही कि आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना। इसके साथ आपको एक गाइड मिलेगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा इसमें है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, ये जो कैटरेजेस, कलरफुल कैटरेजेस आपको मिलेंगे ऑनलाइन, तो इसमें कहा था आप एक कैटरेज को दूसरे कैट दो पेन में यूज़ कर सकते हो। अभी बताता हूँ आपको उसका भी कैसा यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, गोथिक एंड दिस इज इटैलिक। यहाँ पे पेन के बारे में डेमोस्ट्रेट किया गया है कैसा यूज़ करते हैं, एंड दिस इज विद निब। इसमें मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो हम लोग ये जो सिक्स है ना, सिक्स ये पूरा सिक्स आता, बट अगर हम लोग उसको स्लांट करके जैसे कि 45 डिग्री हम लोग यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको 4 mm आएगा। सो डोंट बी कन्फ्यूज, ये मैं 6 mm यूज़ कर रहा हूँ, फिर मेरे को 4 mm क्यों आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे एंगल चेंज कर देते हैं। एंगल चेंज करने की वजह से क्या होता, 1 mm राइट साइड और 1 mm लेफ्ट साइड, हाँ, तो वो कम होकर के आपको सिर्फ 4 mm ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, बट वेन यूज़ फुल विद, देन यू विल गेट इट 6 mm एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, निप क्लीनर है पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैं, ये पिपेट के बारे में है, एनीथिंग लेफ्ट। हाँ, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि अगर आप ये वाला कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, कैटरेजेस है कलरफुल कैटरेजेस, तो उस पर क्या करना है, इनकेस वहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें रेड कलर है और इसमें ब्लैक कलर है, ठीक है ना, इसमें रेड है इसमें ब्लैक है, तो ये जो रेड है उसको मैं नीचे रखा, ये जो ब्लैक है उसको मैं ऊपर रखा। अगर ऐसा मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फॉर यू नो फ्रैक्शन ऑफ 3 to 5 seconds, नॉट मोर देन दैट, तो उसमें जो मेरा ब्लैक कलर है वो थोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, निब के अंदर आ जाएगा, ये सिर्फ पॉसिबल है पैलेट पेन के अंदर ही। दूसरे पेन में आप ट्राई करोगे तो आपको ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये पैलेट बना है वैसा बनाया गया है, ठीक सक कर लेता। तो इसके अंदर आपके पास कौन कौन सा कलर आ गया पता है, इसके अंदर ऑलरेडी रेड था और थोड़ा सा ब्लैक आ गया। सो व्हेन यू राइट विद दिस,
आपको ब्लैक और रेड मिक्स आएंगे, पता है, ब्लैक और रेड डिफरेंट शेड होगा। मिक्स आएंगे डिफरेंट शेड्स। तो वो कब आपके पास, अगर इन केस कलरफुल कार्टिजेस है तो, जैसा कि इसमें बताया, या आप अगर चाहे तो ऑनलाइन भी इसको आप मंगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू पेंस, कैप, नेक, निब, यहाँ पे पूरा साफ दिख रहा है क्योंकि अभी नया है। ये जो है यहाँ पे कार्ट्रिज फिट होता है, और ये जो सेक्शन है द कॉम्प्लिकेटेड, वो आप कभी उसको ओपन नहीं करना। ये जो आपका है बैरल है, ये दो कार्ट्रिजेस, निब क्लीनर एंड द पिपेट। तो दिस ऑल कम्स विद पाइपल पेन, ठीक है। ये आपका नया वाला है, मैं बता दिया कैसे यूज़ करना है। सो इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए रखोगे आप, इसमें निभा इंक आ जाएगा। ये भी नया पेन है ना, जी सो इट टेक सम टाइम। आ गया चार्टेड, ठीक है। तो दिस इज रेडी टू यूज। सो आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, कुछ भी बचा नहीं है। ये आपका कैप है। सो this is guide sheet that you have to use it. ये particular सिर्फ 3.8 mm size के लिए ही बनाया गया है। ये majusculus practice करने के लिए, फिर ये minusculus practice करने के लिए, यहाँ पे दिखा 3.8 mm gothic and this is for you know वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड डायमंड्स उसके लिए है। ये उसके लिए पैड हो गया, यूज कर सकते हैं। सो एनीथिंग इज लेफ्ट, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट? चलिए वीडियो क्लोज करते हैं, इट्स नियरली। ये वाला यूज कर सकते हैं क्या? वी गेट द मटेरियल फॉर चीपर प्राइस। या यू कैन यूज दिस आल्सो, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस। ये पायलट का, पायलट कंपनी का ही है ये भी। तो ये कैटेगरीज आपको मिलेंगे।